सकारात्मक और सक्रिय सहयोग करूंगा। विपक्ष के इस सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं। तो मुझे ये भाव भी नहीं है कि नहीं मैं तो बड़ा हूं। जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा कि मैंने अच्छा किया, लेकिन मुझसे अच्छा मेरे बाद आने वाला मुख्यमंत्री करे। और मैं श्री मोहन यादव जी को, राजेंद्र शुक्ला जी को, जगदीश देवड़ा जी को और आने वाले मंत्रिमंडल को न केवल शुभकामनाएं देता हूं बल्कि सकारात्मक और सक्रिय सहयोग करूंगा। विधायक दल के नेता के नाते वो हमारे भी नेता हैं और दूसरे विधायक के नाते भी मैं विधानसभा को ईंटगारों का भवन नहीं मानता, पवित्र मंदिर मानता हूं। तो मुझे ये भाव भी नहीं है कि नहीं मैं तो बड़ा हूं, मैं विधायक हूं तो विधानसभा मेरा मंदिर है। और एक विधायक के नाते पूरी सक्रियता के साथ मैं विधानसभा में भी काम करूंगा। मेरी बुधनी क्षेत्र की जनता जिसने बिना जाए मुझे सदैव भारी बहुमत से जिताया है, इस बार भी 1,05,000 वोटों से जीता हूं। तो वहां का विकास मेरी स्वाभाविक ड्यूटी है, कर्तव्य है, लेकिन प्रदेश की जनता की भी भावनाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में होता है, वो भी मैं करता रहूंगा। और मैं बहुत आनंदित और प्रसन्न हूं। आज विधानसभा में नए मित्र शपथ ग्रहण कर रहे हैं और जिस ढंग से नई सरकार ने काम शुरू किया है वो आनंद और प्रसन्नता देने वाला है। एक बार मेरी फिर शुभकामना। दिल्ली में बैठक है जेपी नड्डा जी से। मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है और जब एक मिशन में आप काम करते तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता कि आप कहां काम करोगे। जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। कुछ विषय ऐसे हैं जैसे पर्यावरण। अब पर्यावरण मेरा प्रिय मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण मेरा प्रिय विषय है, वो अंतरात्मा से निकला हुआ विषय है और बच्चों से जो मेरी आत्मीयता और लगाव है, तो बाल कल्याण, ये विषय ऐसे हैं कि जो अंतरात्मा से मैं करता रहूंगा। देखिए, भाई और बहन के रिश्ते हों या मामा और भांजे के रिश्ते हों, मैंने पहले भी शायद कहा है कि भाई का रिश्ता विश्वास का है और मामा का है प्रेम का। तो ये जो संबंध है वो स्वाभाविक है। प्रारंभ में थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेज होता है, धीरे धीरे लोग इसको भूल जाते हैं। संबंध रहेंगे लेकिन काम करना है, सरकार सफल हो, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए जनता के कल्याण में। और लक्ष्य अभी है तात्कालिक लोकसभा में हम सभी 29 सीटें कैसे जीतें। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीते हैं। इसके लिए हम जी जान से सब मिलकर काम करेंगे। मैं भी फाइनल हो जाएगा, दिल्ली का चर्चा होगी इसको। अब चर्चा होगी यहाँ थोड़ी मुझे पता, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। सर, कल भी एक बैठक हुई थी दिल्ली में तमाम बड़े मध्य प्रदेश के नेता अपने मंत्रिमंडल को लेकर, क्या उस पर भी चर्चा हो सकती है? मेरी जानकारी में नहीं। मेरी अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा है कि मैं आऊं तो चर्चा की। जय महाकाल। आज 16वीं विधानसभा का सत्र का पहला दिन है और हम सब
नवनिर्वाचित विधायकों ने मेरे सहित सबने शपथ का क्रम जारी रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने पहले दिन में ही एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के हमारे नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म जमा किया है और मैं दल के नेता के होने के नाते से विपक्ष के इस सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नित नई नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में ले जाने का संकल्प करते हैं। हमने मोदी जी का अभी का बनारस का भाषण सुना है, वो सारे उनके सपने और वो सारी योजनाएं जो देश की प्रदेश की भलाई के लिए जो लागू कर रहे हैं उसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए, जैसे उदाहरण के लिए श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज को लेकर के मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल बहुत बड़े पैमाने पर इसका अपना दायरा कवर करता है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है तो हमारा अपने बाबा महाकाल के महालोक से लगा करके ओरछा के राजा राम के मंदिर तक, सलकनपुर से लगा करके कटनी महियर की माताजी तक सारे देवस्थानों को लेकर के हम रोड मैप बना रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा ये प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी हो, अर्थात हमारी जिले के जिला कलेक्टर इकाई, संभाग के संभाग डिविजनल इकाई ये और अंत में प्रदेश इकाई, तो ये जो हमारा अपना विकास के क्रम को नीचे तक उतारने का जो क्रम जारी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे, जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें ठीक से काम करे। कल एक बैठक हुई थी दिल्ली में, आपकी बैठक के बाद मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चल रही, कब होगा ये मंत्रिमंडल? देखिए मैं तो विकास के मामले में बात करने गया है लेकिन ये बात भी सही है कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो मंत्रिमंडल का गठन भी होता है और उसमें हमारे अपने जो सिस्टम है जो एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी या अन्य जो वरिष्ठ जन है वो उस पर विचार करके और हमारी प्रदेश इकाई भी उनसे परामर्श करेगी, जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से, हमारा समृद्ध विधायक दल है और समृद्ध लोग हैं और उनमें से अच्छे लोगों का चयन भी होगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आपका आभार